मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्के कुल्लिहिम मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन वस्सकलैन वल फरीकैन मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़ग़फिर लिनाशिदिहा वग़फिर लिकारिहा सअल्तुकल खैर या ज़ल जूद वल करमी। नहायत ही काबिले सद एहतराम, काबिले सद एहतिशाम जुमला सामईन हज़रात, अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफीक से आज 10 रोज़े और 11वीं तरावी और 14वें पारे तक की तकमील अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। आज की तरावी में दो सूरतें सुनने की हम सआदत हासिल करेंगे, एक सूरह हिज्र और दूसरी सूरह नहल। अपने मिजाज के एतबार से ये दोनों सूरतें मक्की हैं और इनमें से जो पहली सूरत है यानी सूरह हिज्र, ये उसी तरतीब की सूरतों में से है जिन जो अलिफ लाम रा जैसे हरूफ मुकत्तास से शुरू होती हैं। इनके साथ इनकी फजीलत के लिए वही हदीस मुबारक मैं ऐड कर रहा हूँ जो हम गुज़श्ता सूरतों में पढ़ते आए हैं जब से इस मंजिल का आगाज़ हुआ था। और आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में उस शख्स का आना जिस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं कि उसने अर्ज़ किया हुज़ूर मुझे कुरान पढ़ा दीजिए, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको अलिफ लाम रा वाली सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया। उसने जब आजजी का इज़हार किया अपने बुढ़ापे और सलाहियतों के मांद पड़ जाने की वजह से, तो फिर आपने हामीम वाली सूरतें फरमाई, उसके बाद मुसब्बिहात आपने फरमाई, और आखिर में फिर सूरत ज़िलज़ाल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब आपने इसकी तालीम फरमाई तो आपने फरमाया कि ये बूढ़ा शख्स कामयाब हो गया अगर इसने ठीक तरीके से इसको पढ़ लिया। तो ये जो सूरह हिज्र है ये भी अलिफ लाम रा से शुरू होती है, और अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफीक से जहाँ आज हमारे 10 रोज़े मुकम्मल हुए और आज 11वीं तरावी हमारी मुकम्मल होगी और 14 पारे हमारे मुकम्मल होंगे, वहाँ पर हमारी जो तीसरी मंजिल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकमील तक पहुँच जाएगी। हमने कम्बिनेशन एक पढ़ा था और मैं इसलिए उसको रोज़ाना जिक्र कर देता हूँ कि कोई नया सामे हो तो वह जहन में बिठा ले। कुरान की 7 मंजिलें हैं जो सहाबाए किराम जिस तकसीम से गाहे गाहे कुरान पढ़ते थे, तो हफ्ते भर में कुरान मजीद मुकम्मल करने के लिए एक बड़ा जो है वो मोटिवेशन है इस तरतीब में और बड़ी हिकमत है। तो पहली 3 सूरतें पहली मंजिल थी सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा, फिर 5 सूरतें दूसरी मंजिल थी और फिर 7 सूरतें तीसरी मंजिल थी। आज अल्लाह के फजल से जहाँ हमारे पारे मुकम्मल होंगे 14, वहाँ हमारी 3 मंजिल भी मुकम्मल हो जाएंगी, और इसके बाद जो अगली मंजिल हमारी शुरू होगी वह 9 सूरतों के ऊपर मुश्तमिल होगी। तो ये दोनों सूरतें मक्की हैं और इन मक्की सूरतों के जो मजामीन हैं वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे से शेयर करते हैं कि इसमें गो के इतना बड़ा निज़ाम हयात तो जिक्र नहीं हुआ जैसे मदनी सूरतों में हुआ है। उनके अंदर हमारी इबादत हैं, उनके अंदर हमारे मामलात हैं मुआशरती मुआशी और सियासी, और जुमला जितने भी मामलात हैं बड़े डिटेल के साथ उनको जिक्र किया गया। लेकिन मक्की सूरतें भी जो हैं वो फ़िक्री निज़ाम हयात से खाली नहीं हैं। मक्की सूरतों का जो माबेल इम्तियाज़ है वो एक सेहतमंद मुआशरे की फ़िक्री और अमली असलाह है, क्योंकि कोई भी मुआशरा सेहतमंद नहीं बन सकता, कोई भी मुआशरा मदनी मुआशरा नहीं कहलाने के काबिल हो सकता, और कोई मुआशरा इंसानी मुआशरा कहलाने के काबिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका फ़िक्री निज़ाम जो है वो इसलाह के ऊपर खड़ा ना हो। तो इसलाह में सबसे पहले अकीदे तौहीद है, शिर्क का रद्द होना है, आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत तामा जो है उसका इकरार है, और बरज़क की ज़िंदगी मरने के बाद दोबारा जी उठना, ये वो बातें हैं कि जो यकीनन एक सेहतमंद मुआशरे की पहचान हुआ करती हैं। तो एज सच कुछ लीगल वर्सेस तो सूरह हिज्र में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है हमारी अमली एतबार से, और जो सूरह नहल है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि कुछ अल्लाह के जो इनामात हैं उनका तज़करा जानवरों के हवाले से जो किया गया, तो कुछ जानवर वो हैं जो हिल्लत और हुरमत के हवाले से इम्तियाज़ रखते हैं, कुछ अपने गोश्त के हवाले से हमारे लिए हलाल हैं, कुछ दूध देने के एतबार से हलाल हैं, और कुछ सवारी और जीनत के लिए हैं, तो वो चीज़ें कुछ हमारे लिए लीगल और मोकम चीज़ों की हैसियत रखती हैं, अदरवाइज़ कोई डिटेल मोकम और लीगल जो आर्डर्स हैं डिवाइन वो हमारे सामने अमली तौर पर मौजूद नहीं है। तो दोनों सूरतों को अगर देखें तो सूरह हिज्र है, सूरह हिज्र जो है ये लफ्ज़ हिज्र जो इसकी वजह तस्मिया है ये कुरान मजीद के अंदर इसी सूरह हिज्र की 80 नंबर आयत मुबारक में मौजूद है। वलकद कज़बास हाबुल हिज्र मुरसलीन, के जो हिज्र वाले थे उन्होंने रसूलों को झुटला दिया। ये जो हिज्र वाले थे हिज्र हजर और हिजारा ये जो हैं ये एक ही इनकी रूट और मादा है,
और जिसको आप पत्थर भी कह सकते हैं, बुनियादी तौर पर वो ढांपने के मानों में इस्तेमाल होता है। तो ये जिस कौम का तज़करा है, हज़रत साले अलैहिस्सलाम की कौम, वो कौम समूद थी, और पहाड़ों को काट कर अल्लाह ने इनको जो इंजीनियरिंग का फ़न दिया था, उसमें बड़ी बड़ी चट्टानों में अपने खूबसूरत मकान बनाते थे। तो इस एतबार से उन्होंने जब अल्लाह के रसूल के अहकामात को जुटलाया, उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ, तो वो कायनात अर्जी में एक मिसाल बना के रख दिए गए कि असहाबुल हिजर ऐसे लोग थे और अल्लाह ने इनके ऊपर इस तरह का अजाब नाजिल फरमाया। तो ये सूरत चूँकि मक्की है, इसमें जहाँ बाकी वाकियात और बाकी अंबिया के तज़किरे मौजूद हैं, वहाँ इसकी आयत नंबर 78 से 84 तक ये जो बातें हैं ये मौजूद हैं, और ये इसकी वजह तस्मिया है जो 80 नंबर आयत मुबारका के अंदर मौजूद है। मोटे मोटे इसके अहकामात अगर देखें तो आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक इस सूरत का मुकदमा है। आयत नंबर 10 से 27 तक आका करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली और तशफ़ी दी गई इस हवाले से कि मुनकरीन मक्का का जो इनकार हक का जो उसलूब था और उन्होंने जो तरीका इख्तियार कर लिया था कुरान मजीद को, अल्लाह को और उसके भेजे हुए आखिरी रसूल को झुटलाने का, उस हवाले से अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली दी है। और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत की बहुत सारी निशानियाँ इसके अंदर बयान फरमाई हैं। ये 18 आयात का सेट है। आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 50 तक वो किस्सा बयान हुआ है जो कुरान में तकरीबन 72 मुकाम पे जो है वो बयान हुआ है, और वो है किस्सा आदम व इबलीस। तो उसके अंदर भी असबाक हैं। जब हम सूरत को नए सिरे से बार डिव्यू करते हैं मजामीन के इख्तिसार के बाद, तो मैं उसकी कुछ हिकमतें और जिहतें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 77 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौमों का तज़करा है। ये भी एक मॉडल था जो अहले मक्का के सामने भी रखना था और आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने भी एक दावत का जो मनहज और उसलूब है उसको इन अम्बिया के उसवा तरीका और इनकी बर्दाश्त के साथ रखना था। आयत नंबर 78 से लेकर 84 तक हज़रत साले अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़करा है, जिसकी वजह से सूरत का नाम ही सूरह हिजर है, और उन्हीं को असहाबुल हिजर यानी पत्थरों वाले, अमारतों वाले, पहाड़ों वाले वो लोग कहा जाता है। आयत नंबर 85 से लेकर 99 तक इस सूरत का जो इख्तितामी खुतबा है वो 15 आयात के ऊपर मुश्तमिल है, और बड़े प्यारे उसलूब में अल्लाह ने अपने हबीब करीम को डिक्टेट किया है, बड़े प्यारे और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में, और अपने हबीब को सारी कायनात से इस्तिग्ना की तालीम दी है, और अपने हुजूर झुकने का जो सबक दिया है वो एक अपनी चाशनी और ज़ौक रखता है। मैं इंशाल्लाह उन आयात मुबारका को कोट भी करूँगा। अब ज़रा इसके इन मजामीन को हम थोड़ा सा गहराई के साथ अपने ड्यू टाइम में देख लें, तो पहली 9 आयात जो हैं वो इस सूरत का मुकदमा है। कारी साहब, जब आप पहली तरावी आज शुरू करेंगे तो अलिफ लाम रा से शुरू करेंगे। ये वही सबक है जो हमारी पिछली सूरतों में गुजर गया, और उसकी जो है वो हेडिंग और उसकी जो हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि ये कितनी सूरतों के शुरू में है, 29 हरूफ मुकत्तात कुरान की 29 सूरतों के शुरू में है, और मुकत्तात की ओवरऑल जो तादाद है अल्फ़ाबेट वो 14 है आउट ऑफ 28, 28 में से 14 यानी अरेबिक अल्फ़ाबेट आधे जो हैं उनको मुकत्तात बना लिया गया। ये एक भी जिक्र होता है, डबल बी, 3B, 4B, 5B, बुनियादी तौर पर ये चैलेंज है अहले मक्का को कि तुम भी इस जैसा कलाम बना के दिखा दो। और ये सूरतों के नाम हैं, एक राय ये है, और एक राय ये है कि ये कुरान के नाम है, एक राय ये है ये अल्लाह के नाम है, एक राय ये है कि ये इस्मे आज़म है। तो इनके साथ एक बड़ा अकीदत वाला ताल्लुक है उम्मत मुस्लिमा का। लौहे कुरानी के नाम से अमूमन हमारे मुआशरे के मुसलमान जो हैं वो घरों में, दुकानों में और हर जगह पे ये लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये हिकमत भरा ख़जाना है इन सूरतों में, और ये उसका पासवर्ड और एक कोड वर्ड और टाइटल है। तिलका आयातुल किताब व कुरआन मुबीन, मक्की सूरतों में जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है वो कुरान मजीद है। मक्की सूरतों में जा बजा क्यों कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके हबीब रियलाइज़ करवाना चाहते हैं अहले मक्का को कि तुम राह हिदायत की तरफ आ ही नहीं सकते जब तुम कुरान को जब तक अपने सीनों से नहीं लगाओगे, इसको पढ़ोगे नहीं, इसको देखोगे नहीं, इसके साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं करोगे। एक इंसानी नफसियात भी है कि जब किसी चीज़ की बार बार तारीफ बयान की जाती है या जिक्र किया जाता है तो एक मुखातब और जो सामने होता है वो यकीनन एक अट्रैक्शन फील करता है और वो इस बात को गौर से सुनता है। यही उसलूब नफसियाती अल्लाह ने कुरान में अपनाया कि अहले मक्का
قرآن کے منکر تھے اللہ نے ہر مکی صورت کے اندر قرآن کو بڑے واضح انداز میں بڑی محبت بھرے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے تو اس کا آغاز بھی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ جو کتاب ہدایات کی نشانیاں ہیں اور قرآن مجید کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ بیان فرما رہا ہے اس کو اللہ اپنا معجزہ فرما رہا ہے یہ جو مقدمہ ہے اس میں کفار کی جو ہے وہ فیلنگز بیان کی گئی ہیں کہ محبوب کھانا پینا لطف اندوزی اور بڑی بڑی لمبی لمبی غافل قسم کی امیدیں باندھنا یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے محبوب آپ زیادہ بھی زور لگائیں گے ان کو راہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے تو دو ہی جواب انہوں نے گھڑ کے اپنے پاس رکھیں ایک جواب یہ ہے کہ آپ اور آپ کا کلام جادو ہیں اور پھر زیادہ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ انک لمجنون محبوب آپ تو مجنون ہیں تو یہ جو ان کی پختہ عادات تھیں ان کو ریوائز کیا جا رہا ہے ہر صورت میں تاکہ حبیب کریم کو تسلی ہو اور یہ ایک جواب کے سننے پر حضور پریشان نہ ہوں پھر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے ذمے کا جو اعلان فرمایا بڑی مشہور آیت ہے ہماری فرسٹ ایئر کے بچوں کے نصاب میں اسلامک اسٹڈیز کمپلسری میں شامل ہے نائنتھ ٹینتھ میں بھی غالباً شامل ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون محبوب یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو یہ جو حفاظت ہے قرآن کی یعنی اللہ اپنے حبیب کو یہاں بھی بٹوین دا لائن تسلی دینا چاہتے ہیں کہ محبوب اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے محافظ ہم ہیں اہل مکہ سنیں یا نہ سنیں توجہ دیں یا نہ دیں وہ حفاظت اس کی کیسے ہے ایک تو حفاظت یہ ہے کہ حافظ قرآن اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیتا ہے اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ ایک معصوم بچہ بھی 2 سے 3 سالوں میں اس پوری کتاب کو حفظ کر لیتا ہے یہی ہماری تراویح کا امتیاز ہے حفاظ کرام تراویح پڑھتے ہیں پورا اتنا بڑا کلام 6000+ آیات مبارکہ ایک بندہ حفظ کر لیتا ہے تو یہ قرآن کا ہی صرف اعجاز ہے یہ دل و دماغ میں محفوظ ہے یہ کتابی شکل میں محفوظ ہے یہ بزرگوں اور نیک لوگوں کے عمل کے اندر محفوظ ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ کر چھوڑا ہے تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں 9 آیات کے بعد جو اس کی 10 سے 27 نمبر آیت مبارکہ ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے اور وہ کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شَيْءٍ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ محبوب استہزاء ٹھٹھا اور مذاق کرنا انبیاء کے ساتھ یہ تو سابقہ نافرمان قوموں اور مجرم ذہنیت قوموں کا جو ہے وہ شیوا اور وتیرہ ہے محبوب آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آیت نمبر 27 تک جو ہے یہی مضمون چلتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ قدرت خداوندی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ زمین کا اللہ نے اس کو بچھونا بنا دیا آسمان کو بروج بنا دیا اور اس کے بعد دیکھنے سننے کی طاقتیں اور زمین کے اندر اگانے کی جو صلاحیت ہے وہ اور جو خزانے ہیں پھر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی گئی جو باٹنی اور علم نباتات جو ہے اس کا بہت بڑا موضوع ہے عمل تلقی کہ انسانوں سے تو توالد اور تناسل ہوتا ہے اولادیں پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے درختوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر بھی عمل تلقی رکھا ہے کہ ہوائیں اور فضائیں چلتی ہیں تو نر اور مادہ جو درخت ہیں ان کے بیج اور ان کے سپرند جو ہیں وہ ادھر ادھر جاتے ہیں پھر ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور پھر وہی ایک قد آور درخت بن جاتا ہے تو یہ دعوت فکر ہے سائنس کی طرف قرآن گو کے کتاب ہدایت ہے لیکن قرآن کے سائنس کی طرف اور غور و فکر کی طرف جو انڈیکیشن ہے وہ بھی یقیناً کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں انسان کی تخلیق انسانوں سے پہلے جنات کی تخلیق اور اس طرح کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ نے اس کی پہلی 27 آیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں آیت نمبر 28 سے 50 تک قصہ آدم و ابلیس ہے ہر بچہ بچہ جانتا ہے یہ میرا اور آپ کا واقعہ ہے اولاد آدم اور شیطان کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے یہ آدم اور شیطان کا واقعہ تھا تو ہم میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ شیطان ہے ہم اولاد آدم ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے تو رحمان کی قوت اور شیطان کی قوت 2 فورسز ہیں جن کے ساتھ ہر بندے کا جو ہے وہ ایک مقابلہ ہے تو یہاں پر بھی وہی سجدے والی بات ہے اللہ نے آدم کریم کو مٹی سے تخلیق کیا سجدے کا ملائکہ کو حکم دیا تمام نے سجدہ کر لیا ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وجہ کیا بنا اس کا غرور اس کا تکبر اور اس کا دھوکہ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اس نے قیامت تک مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی اپنے جو مخلص بندے ہیں ان کی استثناء کے ساتھ پھر جو شیطان کی بات مانیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جو رحمان کی بات مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے لیکن ایک بڑی ہوپ اور امید والی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے لہا سب آتو ابواب جہنم کے 7 دروازے ہیں
तो जो जन्नत में जाएंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा वुज़ू करके कलमा शहादत पढ़ता है और उसके बाद अल्लाह उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल देता है, वो जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये सियाह सित्ता की हदीस मुबारका है। तो ये जो कलमा शहादत है उसकी फजीलत और जन्नत के आठ दरवाजे, पता चला जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? सात हैं और जन्नत के दरवाजे आठ हैं। पता चला रश जन्नतियों का फिर भी ज़्यादा होगा, रहमान की ताकत उनके साथ ज़्यादा होगी। मुफस्सिरीन ने यहाँ जहन्नम के बाकायदा नाम जिक्र किए हैं कि जहन्नम एक अपना स्टेप है, जहन्नम का लजा एक अपना स्टेप है, होतमा एक और जहन्नम का स्टेप है, सईर है, सकर है, जहीम है, हाविया है। इब्ने जौजी और साहिब रूहुल मानी ने इन नामों का तज़करा जो है वो बड़ी डिटेल के साथ किया है। तो ये सारी जो बातें हैं इन्हीं आयात मुबारका में आयत नंबर 50 तक तकरीबन जो है वो यही मौजू बयान हुआ है। वनब्बे हम अन ज़ैफ़ इब्राहिम, यहाँ हज़रत इब्राहिम और हज़रत लूत का तज़करा शुरू हो रहा है जो 77 नंबर आयत तक जाएगा और ये टोटल 27 आयात हैं। थोड़ी सी इसकी झलक देख लें, हज़रत इब्राहिम और हज़रत लूत का जो एक ताल्लुक़ है वो बड़ा रिश्तेदारी वाला और ब्लड रिलेशन वाला ताल्लुक़ है। एक ही ज़माने में दोनों नबी हैं और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। ये वाक़या पूरी तफसील के साथ हम सूरह हूद की आयत नंबर 69 से पढ़ आए हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह बड़े मेहमान नवाज थे, वो इंसानी शक्ल में आए, आपने अपना जानवर कुर्बान किया, उनके सामने दस्तरखान पे खाना रखा, लेकिन उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। उस इलाके में रवाज ये था कि जब कोई मेहमान दस्तरखान पे बैठकर अपना हाथ आगे ना करता तो उसको अच्छा शगुन शुमार नहीं किया जाता था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को ये फरमाया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को हकीकत बतलाओ। तो उन्होंने हकीकत ये बतलाई कि हम तो अल्लाह के नबी लूत के जो इलाका है अलैहिस्सलाम उसमें उन लोगों की आजमाइश के लिए आए हैं। तो इंसानी शक्ल में आए हैं, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए हैं। तो कौम लूत जिस बीमारी में मुबतला थी ये बुनियादी तौर पर उनकी आजमाइश थी। जब वो फरिश्ते हजरत लूत की बस्ती में गए तो कौम आप उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि कौम एक अमले लवातत की जो है वो शैदाई थी। तो उस वक़्त उनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि उम्मत की बेटियाँ तुम्हारे लिए हाजिर हैं, इनके साथ तुम निकाह करो, ये जो नेचुरल तरीक़ाकार है उसकी तरफ तुम आओ, इस फेले बद से तुम बच जाओ। जब वो बाज ना आए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी बेटियों के साथ वहाँ से निकलने का हुक्म फरमाया और उसके बाद उनको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। वही बात जो पिछली सूरतों में गुजरी, फ़ाख़ज़तहुम सैहतु मुशरिकीन, ये जो इशराक का वक्त था सूरज निकलने के बाद, उस टाइम पे उनको शदीद आंधी और तूफान ने आन लिया। वही कल के अल्फाज हैं, फज अलना आलिया साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, अल्लाह ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश नाजिल की और उनकी बस्ती को उलट करके नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे कर दिया। ये पूरा तज़करा जो है ये आयत नंबर 77 तक जो है वो इन का तज़करा मौजूद है। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़करा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से ये सूरत का नाम क्या है? सूरह हिज्र। ये भी नाफरमान कौम थी। बड़ा मशहूर वाक़िया है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग के बाद आपकी कौम कौम समूद राह हिदायत की तरफ ना आई और उसके बाद इन्होंने एक तकाजा किया। वो तकाजा ये था कि गबन ऊँटनी पहाड़ से निकले और फिर हम ईमान ले आएंगे। ऊँटनी निकल आई, उसके बावजूद इन्होंने कलमा ना पढ़ा अल्लाह के नबी का और तौहीद को कबूल ना किया, बल्कि उसकी कूँचें काट डालीं। तो फिर ये जो वाक़या है इसी का तज़करा हदीसों में भी है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वे तबूक पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इस मुकाम से सहाबा किराम ने पानी लिया, आटा गूँधा और पानी अपना स्टोर किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों को फेंक कर यहाँ से भागने का हुक्म फरमाया कि भागो, कहीं तुम्हारे ऊपर भी अजाब नाजिल ना हो जाए। आपने अपने साहबा को उस कुएं के पानी को इस्तेमाल भी नहीं करने दिया और पीने भी नहीं दिया। तो ये पूरा तज़करा जो है इसमें मौजूद है। लेकिन इन दोनों तज़करों का करक्स क्या है, वजह क्या है, अल्लाह ने इनको बयान क्यों किया है? अल्लाह नाफरमान कौमों का बुरा अंजाम किसके सामने रखना चाहता है? अहले मक्का के सामने, क्योंकि अहले मक्का भी इसी किस्म की नाफरमानियों की तरफ आ रहे हैं। अब हम उस डिटेल में नहीं जाते। अबू जहल कहता है जी वो पत्थर वहाँ से चलकर आपका कलमा पढ़ ले, मुट्ठी में क्या है वो चीज़ें बता दें। तो ये जो बातें थीं ये बिल्कुल वही माइंड सेट था जो माइंड सेट सबका कौमों का था और आका करीम अलैहिस्सलाम को उससे मुत्तले फरमाया जा रहा है। तो इसका जो फिर आखिरी खुतबा है वो 85 से 99 नंबर आयत मुबारक तक है, जिसके अंदर बड़े खूबसूरत जो मुशफिकाना और मुसलिहाना एक नसीहतें हैं अल्लाह की अपने हबीब को, वो बड़ी ज़रा सुनने वाली हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं, माबू फस फ़हिस सफ़ खल जमील,
महबूब दरगुजर फरमाने की आदत जो है वो अपना लीजिए, इनसे दरगुजर फरमाते रहिए, क्योंकि आपका रब तो जो है वो बड़ा खल्लाक है और बड़ा जानने वाला है। और महबूब सारी बातें छोड़ दें, आपको इतना बड़ा फ्रेंड हमने दिया है, इतना बड़ा दोस्त दिया है और हम वक्त का साथी दिया है, किताब लारैब यानी कुरान मजीद। यहाँ पर फरमाया वलकद आतैना का सब अमिन अलमसानी वल कुरान अलअज़ीम, महबूब आपको सबा मसानी और कुरान अजीम हमने दिया है। महबूब इतना बड़ा संगी साथी आपके साथ है, ये तन्हाई का भी साथी है, जलवत खलवत का भी साथी है। आप इसको पढ़ें, इसके अंदर अपना दिल लगाएं। नाफरमान कौमों के ये जो रवैये हैं जिन जो इंसानों को शायद जेब भी नहीं देते, आप इसकी तरफ बिल्कुल भी अपनी तवज्जो ना फरमाएं। सबा मिनल मसानी से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन ने लिखा है इससे मुराद सूरह फातिहा है, क्योंकि उसकी 7 आयात हैं, 2 दफ़ा नाजिल हुई। और बाज़ ये कहते हैं कि पहली 7 तवील सूरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी बड़ी फजीलत है, उनको भी असब उत्तवाल कहा जाता है। उनमें सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सूरह मायदा है, उसके बाद सूरह अनाम है, आराफ है, उसके बाद जो है वो अनफाल और तौबा। अगर दोनों को एक कंसिडर करें तो दोनों, अदरवाइज एक। वो सब उत्तवाल जो हैं उसकी वजह ये है, अल्लाह ताला का बहुत सारा दीन इन्हीं सूरतों के अंदर है, और जितनी डिबेट है मुनाफिकीन मुशरिकीन अहले किताब के साथ वो इन्हीं के अंदर है। गोया निज़ाम हयात कुरान और इनके अंदर है। तो दो आरा, सूरह फातिहा और कुरान, दो बातें कही जा रही हैं, या पहली 7 सूरतें और कुरान की बात की जा रही है। जो भी बात हो, अल्लाह अपने हबीब को कुरान को के साथ जो तमस्सुक है और कुरान के साथ जो लगाव है, अल्लाह अपने हबीब के अंदर भी वही पैदा फरमाना चाहता है। आप अंदाज़ा करें, हजूर जिनके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है उनको कुरान पकड़ने का इतना हुक्म है, तो मेरे और आप जैसा बंदा, हमारी जिंदगियों से तो कुरान ही निकल चुका है। ये रमज़ान अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है अगर ये हमें कुरान का सबक पढ़ा जाए। और यही बात मैं बार बार अर्ज करता हूँ, अल्लाह ने कुरान पढ़ाने के लिए हमें कितने जो है वो आसानियाँ, लालच और तरीके बताए हैं। भाई थोड़े थोड़ा पढ़ो, 114 दिनों में पढ़ लो, सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ सकते, एक एक पारा पढ़ो, महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते तो एक एक मंजिल पढ़ो, हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। हजूर ने 3 दिनों से कम में पढ़ने को पसंद नहीं फरमाया। आपने फरमाया जिसने 3 दिनों से कम में कुरान पढ़ा, उस बंदे ने कुरान नहीं समझा। और जिस बात को हजूर एक मॉडल बना के पेश करना चाहते थे वो ये है, हजूर फरमाते थे मैं पसंद करता हूँ कि बंदे मोमिन हर महीने 3 रोज़े रखे और 1 कुरान मजीद मुकम्मल करे। ये नबी पाक सल्लम को बहुत प्यारा अमल पसंद है, हमें रमज़ान के बाद भी इस पर अमल करना चाहिए। हर महीने 3 रोज़े और वो 13, 14, 15 की हर महीने की, और उसके बाद कुरान मजीद 1 मुकम्मल करना। ऐसा नहीं कि अरबी में 2-4 दफ़ा अरबी में ख़त्म कर लें, फिर तर्जमे की तरफ आ जाएं, फिर समझने की तरफ आ जाएं, तो अल्लाह के कलाम के साथ जो शगफ़ है वो बढ़ जाएगा। और अल्लाह अपने हबीब को जिस बात की तरफ तवज्जो फरमाना करवाना चाहते हैं, वो अगला जुमला बड़ा प्यारा है। हम कम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं एज अ नेशन, मुस्लिम कौम कम्प्लेक्स का शिकार हो गई है। कम्प्लेक्स क्या है? हमारी नौजवान नस्ल के बालों के डिज़ाइन, नाखून काटना, नए नए डिज़ाइन जो मुआशरे में आ गए, ये यकीनन उन कौमों का वतीरा होता है जो कम्प्लेक्स का शिकार होती हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं महबूब, ला तमुद्दन्ना ए नए का इलामा मत्ता ना बही अज़वाजा मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वक़्फ़ जनाहा कलिल मोमिनी। महबूब, अगर हमने किसी को दुनियावी फजीलत दे दी है बज़ाहिर, और उसको मालो दौलत दे दिया है, दुनियावी अप्रोच दे दी है, तो महबूब आप इसकी तरफ कभी निगाह उठा कर भी ना देखें। आप तो सिर्फ और सिर्फ मरकज़ो मेवर अपने सारे फैज़ान और तवज्जो का वो गुलामान मुस्तफ़ा को बना ले। अगर किसी मक्के के सरदार के पास मालो दौलत है या वो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो महबूब कभी आँख उठा कर भी ना देखिए, हुज़्न व मलाल ना कीजिए, अपनी सारी की सारी तवज्जो अपने ग़ुलामों पर दीजिए। और ये बातें गौर व फ़िक्र करने वाले के लिए तो अल्लाह फरमा रहा है बहुत बड़ी हैं। और फिर महबूब, जो कहा गया है हक़ व बातिल का इम्तियाज़ वाज़े करते रहिए, मुशरिकीन से एराज़ फरमाते रहिए। और महबूब, हम झुटलाने वालों के लिए ख़ुद ही काफ़ी हैं। और महबूब, हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता है जब आप बात करते हैं और आपकी बात मुनकरीन हक मानते नहीं हैं। तो महबूब, अल्लाह की तस्बीह और तामीद करते रहिए, अल्लाह के हुजूर सजदे बजा लाते रहिए और अल्लाह की इबादत करते रहिए, यहाँ तक कि जो मुस्तआर ज़िंदगी हमने बंदे मोमिन को अता फरमाई है, और ख़ुसूसन आपकी जो हयात ज़ाहरी है उसका एक मखसूस टाइम आ जाए आपके पर्दा फरमाने का, उस वक्त तक अल्लाह की तस्बीह व तामीद, अल्लाह के हुजूर सरबा सजूद होना और अल्लाह के हुजूर इबादत के लिए कमर बस्ता होना, ये अपना शेवा बना लीजिए। तो ये थी जी सूरह हिजर, और जिसकी 99 आयात मुबारक थी। दूसरी जो सूरत है वो हमारी है सूरह नहल। तो
तो हिजर जैसे पत्थरों से उसका नाम है, तो जो नहल है ये शहद की मक्खी को कहते हैं। एक फ़र्क ज़रा नोट फरमा लीजिए, एक नून हे और लाम होता है, नहल यानी हे नुक्ते के बगैर, उसका माना होता है शहद की मक्खी, एक नुक्ते के साथ होती है जिसको नखल कहते हैं, तो वो खजूर और खजूर का दरख्त होता है। लिहाजा ये जो सूरत है ये सूरह नहल है यानी शहद की मक्खी, और इसमें अल्लाह की कुदरत की मुतअद्दद निशानियां बयान हुई हैं। इसको सिर्फ सूरह नहल ही नहीं कहते, इसको सूरत तो नेम भी कहते हैं, नेमत की जमा है नेम, अल्लाह ने इसके अंदर नेमतें बयान फरमाई हैं। आप 50 के करीब अल्लाह की नेमतें सिर्फ इस सूरत के अंदर देखेंगे। मैं खुद इस सूरत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जितने अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ इस सूरत में हैं शायद हमें किसी सूरत में इतनी अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ नज़र नहीं आती। इसका नाम सूरह नहल भी है और सूरह नेम भी है। ये जो नहल का लफ्ज़ है ये इसकी आयत नंबर 68 के अंदर मौजूद है कि महबूब हमने आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ इल्हाम किया कि वो कैसे कैसे शहद बनाए। तो इस हवाले से इस पूरी सूरत का नाम ही क्या है, सूरह नहल है। तो इसके मोटे मोटे मजामीन ये हैं कि पहली जो 19 आयात हैं वो कुदरत इनामाते खुदावंदी की 15 मिसालें उसके अंदर अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। सिर्फ पहली 19 आयात में अल्लाह ने अपनी कुदरत की और अपने इनामात की 15 मिसालें अल्लाह ने बयान फरमाई। हम थोड़ा थोड़ा उनको जिक्र करते हैं, बल्कि पहले उन्हीं को कर लेते हैं, टाइम थोड़ा है, बजाय इसके कि पहले मैं इसको बयान करूँ फिर इधर आऊँ। अल्लाह की कुदरत क्या है, अता अमरुल्ला फला तस्ताजिलू व सुबहानहु व तआला मा युशरिकून। अहले मक्का कहते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस डरावा जो डरावा हमें देते हैं कि क़यामत आएगी बंदे मरेंगे और जवाब देना होगा, आप ले आए जो आपने ले आना है। यानी ये उसलूब जब उन्होंने अपना लिया तो अल्लाह ने फरमाया अता अमरुल्लाह, समझो क़यामत आ गई। यहाँ पर बड़ी एक टेक्निकल बात है जो जहन में रखने वाली है, क़यामत आनी मुस्तकबिल में है। अल्लाह ने यहाँ पर जो वर्ब चुना है और फेल वो पास्ट इंडेफिनेट है, अता लिखा है याती नहीं लिखा, यानी याती होता तो इसका माना यह होता कि क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ फ़िल माजी के साथ जिक्र किया गया है। और अरबी का उसलूब है कि जो काम यकीनी हो, जिसके अंदर डाउट ही ना हो, वो काम अमूमन फ़िल माजी के साथ जिक्र किया जाता है। अरबी का एक और उसलूब है कि अगर किसी को दुआ देनी हो तो वो भी पास्ट इंडेफिनेट से अरबी में देते हैं। जैसे हम सहाबा कराम के नाम के साथ क्या बोलते हैं, रदी अल्लाह अनहो, और बुज़ुर्गों के नाम के साथ राहिमहुल्ला, तो ये राहिमा रदिया ये फ़ेल है। मुझे इन दुआओं से याद आया, मेरे जहन से निकल ना जाए, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज विसाल है। आका करीम अलैहिस्सलाम का जितना कल्बी ताल्लुक अम्मा खदीजा के साथ था, अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने नहीं देखा कि हुजूर ने इतना शगफ़ किसी के साथ रखा हो। अम्मा खदीजा के विसाल के बाद भी नबी पाक सल्लम ने अम्मा खदीजा की सहेलियों का ख्याल रखा, उनके घरों में खाना आप भेजते, जब भी को कुर्बानी का मौका आता तो यूँ एक बड़ा ताल्लुक था नबी पाक सल्लम का। आपकी सारी औलादें हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, आपकी चारों बेटियाँ सिवाए हज़रत इब्राहिम एक बेटे के, 6 औलादें नबी पाक सल्लम की अम्मा खदीजतुल कुबरा के बदन से हैं। लेकिन एक ही बात जहन में बिठाएं कि अम्मा आयशा से तकरीबन 2210 हदीसें मरवी हैं, अम्मा खदीजा से कोई हदीस मरवी नहीं, लेकिन सारी औलादें हजूर की अम्मा खदीजा के बतन से हैं। उसकी वजह यह है, इस्लाम यहाँ भी हमें डिवीजन करके दे रहा है कि हाउस वाइफ जो घरेलू खातून है वो औलाद की तरबियत करती है, बाकी शायद काम इतने उससे पॉसिबल नहीं होते। ये बहुत बड़ी दावत फ़िक्र है हमारे लिए। अम्मा आयशा के साथ शादी भी बड़ी हिकमत भरी थी, अम्मा खदीजा के साथ शादी भी बड़ी हिकमत भरी थी। तो ये जो कैफियत है हमें बड़ी समझने की ज़रूरत है। देखें ना, एक माँ ने हदीस तो कोई नहीं जिक्र की, लेकिन उस माँ ने बेटी ऐसी तैयार की है जिसको खातून जन्नत फातिमा तो ज़ारा कहते हैं, उसने फिर बेटे ऐसे तैयार किए हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो ये जो हुजूर के ख़ानदान का फैज़ान है, इससे भी आज हमें बड़ा सबक सीखने की ज़रूरत है। तो अता फ़ेल माजी, रदिया फ़ेल माजी, रहमा फ़ेल माजी, और ये जो यकीनी बात हो वो भी फ़ेल माजी के साथ की जाती है। और क़यामत आएगी, अल्लाह क़यामत लेके आएगा, अल्लाह पाक है उस चीज़ से जो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, ये अल्लाह की कुदरत बयान हो रही है। अल्लाह फरिश्ते नाजिल फरमाता है, अल्लाह ने आसमान पैदा किए, अल्लाह ने ज़मीन पैदा की, अल्लाह ने इंसान पैदा किया, अल्लाह ने जानवर पैदा किए, उसमें तुम्हारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फ़ायदे हैं, उसमें तुम अपने जमाल की चीज़ें लेते हो उसके लेदर से। देखें ना जी, आज एक जूता कितना महंगा है, आप हश पपी का जूता लेने जाएँ तो आपको एक एवरेज जूता जो है वो 8 से 10 हज़ार का मिलता है। तो ये देखें, ये उनके चमड़ों के फ़वाद हैं। अल्लाह फरमा रहा है जानवर तुम्हारे लिए ज़ेब व ज़ीनत वाले भी हैं,
तो मुख्तलिफ चीज़ें बनती थी, लेदर की चीज़ें आज भी बड़ी महंगी हैं। अल्लाह फरमा रहे तुम्हारे बोझ जानवर इधर से उधर जो है वो मुंतकिल करने का काम देते हैं। उसके बाद घोड़े का तज़करा है, खच्चर का तज़करा है, गधे का तज़करा है, ये तुम्हारे सवार होने के लिए हैं। और उस वक्त ये जीनत भी थे, जैसे आज किसी के पास जो है वो होंडा सिविक हो तो वो कहता है जी मेरे पास 40 लाख की गाड़ी है। उस वक्त जिसके पास खच्चर था, घोड़ा था, ये भी उसकी सवारियाँ होती थी। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बंदे के पास सवारी होती थी उसको माले गनीमत में से भी ज़्यादा मिलता था। एक पैदल चलने वाले मुजाहिद को माले गनीमत में से कम हिस्सा मिलता था। जो सवारी पे होता था, जो असले के साथ होता था, उसको ज़्यादा मिलता था। वजह क्या थी? उसने फ्यूल भी तो पूरा करना है, उसने होंडा सिविक की लाइटें भी तो ठीक करवानी है, जानवरों का ख्याल रखना है, खाना पीना उठना बैठना। तो अल्लाह ने उसी सेंस में बात की जो उस वक्त की बहुत बड़ी नेमती थी लोगों के लिए। आज भी पिंड देहात और गांव की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो जानी जाती हैं। लोगों की फैमिलियाँ ऊँटों की बारबरदारी से पलती हैं, उन पर लकड़ियाँ और चीज़ें लोग मैनेज करते हैं, गन्नों इधर उधर से मुंतकिल करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके इनामात हैं उसमें से आसमान से बारिश नाजिल फरमाई, उससे दरख्त उगाए। फिर उसके बाद बहुत सारे फलों का तज़करा है, जैतून का तज़करा है, खजूर का तज़करा है, अंगूर का तज़करा है, फलों का तज़करा है, दिन रात का तज़करा है, सूरज चांद का तज़करा है, सितारों का तज़करा है। अल्लाह तबारक व तआला ने समुंदरी जानवर और समुंदर के अंदर जो कुछ हमारे लिए रखा है, आनाफ के नज़दीक तो समुंदरी जानवरों में सिर्फ मछली या लाल है, लेकिन बाकी आयमा के नज़दीक जो मगरमच्छ और ये चीज़ें, ये भी कुछ आयमा के नज़दीक जो हैं वो हलाल हैं। तो अल्लाह ने एक तकसीम रखी है फुकहा के इजतिहाद के साथ, जहाँ जहाँ इंसानों के लिए ज़राए थे रोज़ी के, अल्लाह ने वहाँ पर वही फ़िका और वही इज्तिहाद लोगों को तौफीक नसीब फरमाया, जिसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं। यहाँ मछली का जिक्र है जी, यहाँ पर आपके जो है वो समुंदर के ख़जानों का तज़करा है, कश्तियों का तज़करा है। और अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन को और ज़मीन के अंदर पहाड़ों को और सितारों को, ये सारी बातें जो अल्लाह ने फरमाई हैं। फिर अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, और तुमने तो ज़ाहिर देखा है अभी अल्लाह की और कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह फरमा रहा है मैंने रखी हैं। और आयत नंबर 20 से 36 तक मोमिनीन और मुनकरीन के जो आमाल हैं उस एतबार से उनके अच्छे और बुरे अंजाम का तज़करा है। रवायात के मुताबिक आयत नंबर 26 में एक कौम का और एक कौम के सरदार का तज़करा है। कहा जाता है कि वो नमरूद था, उसकी मिसाल रखी गई है अहले मक्का के सामने कि नमरूद ने फासिद तदबीर की और उसके मानने वालों ने, तो अल्लाह ने उनके मुकाबले में बेहतर तदबीर कर दी। और यहाँ नमरूद जो था वो बाबिल के इलाके में था, बाबिल कुरान में पहले मौजूद है सूरह बकरा में, तो बाबिल की वजह तस्मिया भी इनके ऊपर अजाब की वजह से है। हम एक उर्दू का लफ्ज़ बोलते हैं बिलबिला उठना, तो बिलबिलाना क्या होता है? चीखना, चिलाना, रोना। तो कहते हैं इस इलाके पर जब अजाब आया था तो ये लोग बिलबिला उठे थे और इस शहर से चीखों की आवाज़ बहुत अरसे तक आती रही। इस वजह से इस इलाके का नाम ही क्या है? बाबिल। और ये जो कौम है, कहा जाता है कि ये नमरूद और उनके मानने वाले पैरोकारों की कौम थी जिसकी तबाही का तज़करा है। और ये अल्फाज हैं कद मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो ये बिलबिला उठना और इस इलाके में अजाब आना, ये इब्ने जौज़ी ने ज़ादुल मसीर में और बाकी मुफस्सिरीन ने ये सारी बातें अपनी अपनी तफासीर में जिक्र की हैं। उसके बाद फरिश्तों का ज़ालिम लोगों की जान निकालना और उनका फिर जहन्नम में जाना, नेक लोगों की जान निकालना, मुत्तकी लोगों को फिर जन्नत में दाखिला और जन्नत के फरिश्तों का उनका इस्तकबाल करना, उनको सलाम कहना, ये सारी बातें इसी सूरह मुबारका में हैं। और ये आयत नंबर 36 तक जो है ये मौजू चलता है। आयत नंबर 37 से 64 तक नबी पाक सल्लम को मुनकरीन के रवैये के बाद तसल्ली की बात की गई है। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यादी मन युदिल वमा लहुम मिन नासिरीन। महबूब, अगर आप इतने हरीस भी हो जाएं इनके ऊपर कि ये दावत हक कबूल कर लें, तो महबूब जिसने हिदायत नहीं लेनी, जिसने कान नहीं खोलने हिदायत का नगमा सुनने के लिए और आंखें वाह नहीं करनी हिदायत पढ़ने के लिए, वो कभी हिदायत की तरफ नहीं आ सकता। ये सारी बातें आका करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली और तशफ़ी की, ये सिलसिला चलता है जी आयत नंबर 64 तक। यहाँ पर आयत नंबर 50 में आज हम देखेंगे कि सजदा भी है। मैं टाइम के मुनासबत से थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ने बहुत सारे सबका रसूलों की जो है वो नाम लिए बग़ैर बात की है कि हमने सबका कौमों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, और फिर मुकाबले दो थे रहमान के शैतान के, जो शैतान के पीछे चले वो नामुराद ठहरे और जो रहमान के पीछे चले अल्लाह ने उनकी मुरादों को पूरा कर दिया। उसके बाद आयत नंबर 65 से आयत नंबर 89 तक अल्लाह ने 19 अपने इनामात गिनवाए हैं बंदों के ऊपर। वो इनामात क्या हैं? आसमान से बारिश, ज़मीन का चीज़ों को उगाना, जानवर पैदा करना, और फिर वही बात कि यहाँ पर मादा जो जानवर है उसका तज़करा है कि अल्लाह फरमा रहा है ज़रा देखो
कि तुम्हारी गाय जो है वो सब्ज रंग का चारा खाती है, नीले रंग का पानी पीती है और तुम्हें सफ़ेद रंग का दूध देती है जो बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन से भरा होता है। अल्लाह फरमा रहा है, देखो ये कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा मालिक है। यहाँ शहद की मक्खी का तज़किरा है। हमने जो आज का सबक बनाया था, आज के रोज़े का, मैंने शेयर किया बहुत सारे ग्रुप्स में, वो यही शहद की मक्खी के हवाले से दो आयात थी, 68 और 69 नंबर। अल्लाह ने जितनी इंजीनियरिंग इनके अंदर रखी है, शायद ही कोई इतने छोटे जसामत के बाद इतनी बड़ी इंजीनियरिंग। एक शहद की मक्खियों का छत्ता, फिर उनमें से हर एक का घर, फिर उनकी मलका, फिर उनका नज़्म व ज़ब्त, फिर उनके शहद बनाने का स्टोर, फिर खाम माल, फिर शहद खट्टा मीठा फीका रस चूसने के बाद एक शहद अल्लाह का बना देना। अल्लाह फरमा रहा है, मैं वो हूँ जिसने ये सारा कुछ तुम्हारे लिए कर लिया। और हुज़ूर ने फरमाया कि शहद के अंदर तुम्हारे लिए शिफा है, कुरान और शहद से शिफा तलाश करो। लेकिन आज जुल्म ये है कि आज हमें खालिस शहद भी नहीं मिलता। मैं एक तहकीक पढ़ रहा था कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये आजकल जो असली शहद की मक्खियाँ हैं वो नहीं मिलती। फार्मी तो तैयार होती हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे नेट की दुनिया की 3G की 4G की, इसकी वजह से वो इसके जो रेडिएशन है उसको कबूल नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती, और शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मर गई हैं या जहाँ पर नहीं हैं ये चीज़ें वहाँ पर मुंतकिल हो गई हैं। आज हम देखें ना, छोटा सा वायरस आया फ़ज़ा में, कोरोना, और हम बाहर नहीं निकलते, मास्क पहनते हैं, तो अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी मक्खी को भी ये चीज़ें दी हैं, तो वो भी हम इंसानों की जो नेट की दुनिया है उसकी भीड़ चढ़ गई हैं। अल्लाह ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, और बुढ़ापे की तरफ अल्लाह फिर इंसान को लेके गया है, जवानी उसको दी है, फिर क़्यामत आ जाएगी। ये सारी बातें जो 19 इनामात हैं अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाए हैं, आयत नंबर 90 से लेकर आयत नंबर 111 तक। ये 2-3 आयात बड़ी कुरान की तरफ तवज्जो देने वाली बात है। अल्लाह ने फरमाया कुरान हर चीज़ के लिए तबियान है। फिर एक आयत है कुरान की बड़ी जामे, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, आप इसको खुद पढ़िएगा, 90 और 91 नंबर आयत मुबारक है। ये पूरे निज़ाम का, इस्लाम का जो है वो खुलासा है। यहाँ पर फिर एक और बात की गई है, अल्लाह फरमा रहा है एक ऐसी औरत जो सूत काटती है, चरखा काटती है, तुम उसकी तरह ना हो जाना कि वो दिन भर चरखा काटती है और जब शाम को फारिग होती है तो वो जितना उसने चरखा काटा होता है, चीज़ें बनाई होती हैं, उन सब को उधेड़ देती है। अल्लाह फरमा रहा है तुम भी ऐसे करते हो, अल्लाह के साथ एक तो वादा करते हो कि हम तेरे फरमाबरदार बन के रहेंगे, लेकिन फिर अल्लाह की फरमाबरदारी से निकल जाते हो। आयत नंबर 98 आपकी लीगल है कि जब कुरान पढ़ो तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करो, हक्कानियत कुरान इसके अंदर बयान हुई है। ये जो इसका आखिरी खुतबा है 119 से लेकर 128 नंबर तक, इसके अंदर अल्लाह ने हलाल व हराम के कुछ आकामात बयान फरमाए हैं। एक बस्ती का तज़करा है कि एक बस्ती वाले बड़े मुतमैन होते थे, खाते पीते थे, फिर एक रसूल आया, उसकी उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दिया। वो करिया कौन सा था? मक्का था एक रवायत है, मदीना था दूसरी रवायत है, कोई भी करिया और बस्ती थी, ये तीनों रवायात मौजूद हैं। अल्लाह ने मुर्दार हराम किया, खनजीर हराम किया, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबाशुदा जानवर हराम करार दे दिया। फिर आखिरी बात कि खुद साख्ता हलाल व हराम के तसव्वुर को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, और इख्तितामी खुतबे में ही हज़रत इब्राहिम का मॉडल अल्लाह ने सामने रखा है और हिकमत दीन के ऊपर एक जामे सी आयत लिखी है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ। ये मक्की सूरत है, तो अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म फरमाया वसबिर, महबूब क्या कीजिए? सबर कीजिए। तो ये कुछ इसके मोटे मोटे मौजूआत थे। दो सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह हिजर और सूरह नहल। सूरह नहल की 128 आयात हैं और सूरह हिजर की 99। टोटल तरावी में कितनी बनी? 227, और एक पारा बनेगा आज अल्हम्दुलिल्लाह, 14 पारे हमारे मुकम्मल होंगे। कल 15वें पारे से चौथी मंजिल के साथ और सिर्फ एक सूरत के साथ हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह बरखैर व बरकत अता फरमाए, कुरान के साथ हमें जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैहिल्लाह।